जी सर, बुद्धिस्ट कानून बनने के बाद क्या बौद्धिक आंदोलन करते हैं, उसका क्या फायदा होगा बौद्धिक आंदोलन के लिए? उसका फायदा ऐसा हो जाएगा कि अभी जैसा महाबोधि जो गया जो का विहार है, वहाँ एक टेम्पल एक्ट है, 1949 का टेम्पल एक्ट है। वो टेम्पल एक्ट में जो प्रावधान है, वहाँ टेम्पल एक्ट में जो प्रावधान बताया है, वो कैसी प्रावधान है कि जो भगवान बुद्ध है, वो भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है। अब भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है, इसका मतलब क्या हो गया है कि भगवान बुद्ध के मंदिर में विष्णु को मानने वाले को क्या मिल गया, कायदेशीर स्थान मिल गया। इसलिए सेक्शन 3 में वहाँ ब्राह्मणी पंडित बैठे है, और सेक्शन 4 में कलेक्टर वहाँ का अध्यक्ष है। यानी पूरे दुनिया को मालूम है कि महाबोधि विहार किसका है, तो बौद्धों का है। एक कानून का बोलना है कि महाबोधि विहार किसका है, तो पहले हिंदू का है, बाद में बौद्धों का है, ये हो गया कानून। अब ये कानून का राज है। अब ये कानून में जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको आज के तारीख में हमारे संविधान की मान्यता है, क्योंकि संविधान में ये बताया है कि बुद्ध जो है हिंदू का पंथ है। अब संविधान में बोलता है बुद्ध हिंदू का पंथ है, बोधि गया टेम्पल एक्ट भी बोलता है कि बुद्ध हिंदू का पंथ है। इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ जो मसला चल रहा है इतने साल से, वहाँ मसला कौन चल रहा है कि वहाँ का मैनेजमेंट हमको होना, बौद्धों को होना। लेकिन कानून बोलता है कि बुद्ध को ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि बुद्ध जो है वो हिंदू से जुड़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बुद्ध हिंदू से जुड़ा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुधार हो जाएगा कि वह बुद्ध हिंदू से जुड़ा नहीं है, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी 56 में, वो प्रतिज्ञा का अगर सोशोलॉजिकल उसका स्टडी करते हैं, तो भगवान बुद्ध का धम्म ये हिंदू से जुड़ा नहीं है, वो सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंट है। जब उसका सेपरेसी जो उसका जो लीगल स्टेटस डिक्लेयर हो जाएगा, इसका लॉ बनेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13(1) से क्या हो जाएगा, जो महाबोधि टेम्पल एक्ट का जो सेक्शन 3 और 4 है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, यानी अल्ट्रा वायरस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाईकोर्ट ऑर्डर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, सरकार नहीं करेगा। तो देखिए, आज के तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को भी नहीं बोल सकते कि वो महाबोधि टेम्पल का जो सेक्शन 3 और 4 उसको अल्ट्रा वायरस घोषित करो करके, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे धर्म के खिलाफ जा रही आर्टिकल 25 में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें जो बुद्धिस्ट लॉ कैसा होना, विथ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 25।